is mine. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज का नज़ारा देख लीजिए दोस्तों। एंड आज तो हम रोड पे वॉक कर रहे हैं, जंगल में नहीं गए, क्योंकि ये महोदय बहुत ही लेट आए हैं, बहुत ज़्यादा लेट आए। बाय द वे, ये जंगल मैं आपको वापस एक छोटा सा क्लिप डाल दूंगा। ये माउंटेन हमारे, हम जहाँ गए थे वहाँ से भी दिख रहा था, वहाँ से तो बहुत दूर हो गया, बट यहाँ से तो बहुत नज़दीक लग रहा है। एंड यस, हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। सी यू, बाय। अपना बम क्यों दिखा रहे हो? क्या बना रहे हो? तो दोस्तों, ये है कृणाल स्पेशल फ्रूट बॉल। क्या डाला, क्या है? दही डाला है क्या? दही दही। अच्छा, उस दिन जो देखा था वही वाला क्या? हाँ। क्या हमारे यंगस्टर्स हमको भी मोटिवेट कर रहे हैं? सूरज ने बनाया था तो मतलब चलो मैं भी कोशिश करके देख लेता हूँ कैसा टेस्ट आता है। बट सूरज आप देख लो। सूरज नहीं देखेगा तुम्हारा व्लॉग, बना उसको टैग करूंगा ना। मतलब देखो बादाम को ऐसे काटते हैं। तो जयश्री जी, आपको कैसा लगा मेरा फ्रूट? ये तपमू बना रही थी कि नहीं? मजेदार मैंगो फ्लेवर्ड फ्रूट बाउल। सूरज को थैंक यू बोल देना उसकी रेसिपी। पकड़ो भी, पापा नहीं है, पापा ऑफिस गए। पापा नहीं है घर पे। चलो पकड़ो सामान, पकड़ो। चप्पल उतारो। ये कौन आ गया है? ऐसी होगी तो हमें कभी नहीं मिलती। अच्छा, अनु ने टिफिन फिनिश नहीं किया तो अनु तो ये नहीं लिया। ऐसे थोड़ी चलेगा, ये चीटिंग थोड़ी चलेगा मम्मा। हाँ तो ये चीटिंग भी नहीं चलेगा, मैं मेहनत करती हूँ। फिनिश कर देगा बोले। हाँ, ये चीज अनु ने दो दिन पहले भी बोला था। Six and a half hours later. तो हम आज निकल गए थे ऐसे ही जस्ट एक राइड मारने के लिए, और हम यहाँ पे पहुँच के आनंद नगर, जो कि थाने कासरौली के पास है। यहाँ पे लगे हुआ था कुछ छोटा सा फेयर, यहाँ पे प्रोग्राम भी था, तो कुणाल ने बोला चलो जस्ट देखते हैं। तो हम निकल गए, और जैसे ही हमने एंटर किया तो सामने बनाया था राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही। और यहाँ पे एक स्टेज शो हो रहा था, बहुत ही अच्छा सॉन्ग्स गा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। बट हम यहाँ ना जाके हम पहले गए जहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, और यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल स्टॉल्स थे, मतलब आपको ऐसे ही अट्रैक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कुणाल और अनाइता अंदर गए दर्शन करने के लिए, मैं नहीं जा सकती थी, तो यहाँ पे अनाइता हाई कर रही है। और फिर वो लोग दर्शन करने आने के बाद हम लोग सभी स्टॉल में जाके हर एक स्टॉल में हमने विजिट किया और देखा। ये एक्चुअली हर फन फेयर में आपको कॉमन स्टॉल मिल जाता है, बट ये हर बार आप जाओगे ना तो हर बार आपको ऐसा फील होगा कि आप नया चीज़
देख रहे हो, बट रहता सब रिपीटेड ही प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पे ये सब एक्सेसरीज के थे। अनाइता बोल रही थी कि मुझे लेना है मुझे लेना, बट ऑलरेडी अनाइता के पास बहुत सारे एक्सेसरीज थे। बट मैंने भी एक दो ब्रेसलेट्स ट्राई किए, बट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा और प्राइस भी मुझे ज़्यादा ही लगी। एक एक करके मैंने एक दो ब्रेसलेट ट्राई किए, बट सीरियसली बोलूँ मुझे इतना वर्दी नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, बट फिर भी मेरी नज़रें बार बार उस स्टॉल में ऐसा जा रही थी कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं एक साथ प्रोडक्ट रख देते हैं कि ऑटोमेटिकली आप उस प्रोडक्ट के पास चले ही जाओगे। और थोड़ा थोड़ा कहते ये स्टॉल में ना आपको हर चीज़ें 30 रुपीज़, 10 रुपीज़, मतलब प्लास्टिक की चीज़ें थी। तो हमने यहाँ से एक छोटी सी प्लास्टिक बास्केट ली, फिर ये था पूरा की चेन और चाइना आइटम। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था ये स्टॉल, मतलब आप स्टॉल में जाओगे तो आपको हर चीज़ लेने का मन कर जाएगा। और बट मैंने ये यहाँ से एक छोटी सी डॉल ली, बहुत ही क्यूट लगी मुझे, तो मैंने ये अनु के लिए खरीदी। तो माशाल्लाह, मतलब 10 रुपये का प्रोडक्ट, 10 रुपये का प्रोडक्ट ऐसा स्पीकर में लगाया ताकि लोग जिसको ना भी खरीदना हो वो भी इस स्टॉल के पास चला जाएगा और आप प्रोडक्ट 5 रुपये का भी नहीं लोगे। इसको कहते हैं मौके पर चुका। ये लड़की एक बार लिया और बोलते भैया हमने उधर से भी लिया, उधर से भी लिया, उधर से भी लिया। क्यों, कौन से नहीं लिया था? वो मेरे को देख के वो भीड़ में से मेरे को पहचान गया था। सोचो मैंने तभी भी तुम इतना लड़ी थी उससे। A few moments later. क्यों? आप कौन खरीद रहा है? हम लोग को खरीदने के लिए मना कर रहे थे, खुद गोला खा रहे हो। बोलो 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 बोलो, तुमको बाहर खानी है? मैं को ये चाहिए, मैं को वो चाहिए, मैं को ये चाहिए। भाई अपनी बॉटल खत्म करने के चक्कर पूरा ही डाल दिया क्या? काला खट्टा कर, कल काला खट्टा। पैसा नहीं है, पैसा दो अभी तुम। मैं जो तुम खरीद रहे हो तुम उसका पैसा दोगे, जो मैं खरीदू तो मैं उसका पैसा दूंगी, समझा? देखो देखो देखो, और मेला घुमा ले रहा, मेला चल रहा है, मेला चल रहा है, मेला आके 1000 रुपये खर्चा हो गया। पाप हो गए बोला ना अनु, अनु अच्छा नहीं है, अनु अच्छा नहीं। ये इंसान बोला कि चलो भाई मेला लगा, चले क्या, लाने के बाद कुछ नहीं दिलाता है, बस ऐसे दिखाने लाता है टाइम पास कराने के लिए कि चलो सिर्फ देख लो। आदमी जब मेला जाता है तो लेने का मन करता है कि नहीं करता है? मेला घूमने के लिए होता है, घूमने के लिए हो तो खरीदारी के लिए होता है। अच्छा अच्छा, किसने बोला था? ले 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 ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा जी, मेरी गलती है यार। ये लड़की हमें मेले से मिली। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमारे पास प्रूफ है भाई। ऐसे अरे, a few moments later, इस आदमी को रात के 11 बजे बैठ के काला खट्टा का खा रहे हो कि कुछ और कर रहे हो? गजब बेइज्जती है। तुम्हारा मैजिक खत्म हो तो घर चले, कल काला काला निकालना।
सो गाइस, आज हमने सुबह से तो कुछ किया नहीं था, पर शाम को हम लोग गए थे बाहर. सो कुणाल ने बोला कि मेला लगा है, तो हम मेला घूम के आए. जो कुणाल लेके तो गया अंदर, पर गिद्ध लाया कुछ नहीं. बोलता सिर्फ देखो, खरीदो कुछ नहीं. तो मेला कोई देखने नहीं जाता. फिर भी मैंने कुछ चीजें खरीद ली थी अनु के लिए. और आप शॉर्ट्स में देखिएगा. फिर मैं ब्लॉग एंड करती हूँ और कल आपसे मिलती हूँ विद न्यू ब्लॉग. अरे बोले तो ये मेरी फ्रेंड किसी आप उसकी है, और ये मेरी, एक मेरी, ये मेरी, और ये आप उसका हेयर वो ट्राई करो. सो हम कल मिलते हैं विद न्यू ब्लॉग. टिल देन सी यू, गुड नाइट, बाय.